ये प्रेपरेटरी एक विजिट थी, एयर चीफ साहब यहाँ पे आए थे, उन्होंने सारा इसका मुआयना किया है और बाय एंड लार्ज हम तैयार हैं इसको करने के लिए। मई को इसको ओपन करेंगे पब्लिक के लिए। एयरफोर्स की जो हिस्ट्री है उसको शोकेस करने की कोशिश की जा रही है, किस डिफरेंट टाइप के जितने एयरक्राफ्ट हैं, किस तरह का अम्युनिशन इस्तेमाल होता है। ये प्रेपरेटरी एक विजिट थी, एयर चीफ साहब यहाँ पे आए थे, उन्होंने सारा इसका मुआयना किया है और बाय एंड लार्ज हम तैयार हैं इसको करने के लिए और 8 मई को इसको ओपन करेंगे पब्लिक के लिए। डिफेंस मिनिस्टर से करवाया जाएगा जी। डॉक्टर साहब क्या कुछ देखने को मिले गए थे, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल पूरी एयरफोर्स की जो हिस्ट्री है उसको शोकेस करने की कोशिश की जा रही है, किस डिफरेंट टाइप के जितने एयरक्राफ्ट हैं, किस तरह का अम्युनिशन इस्तेमाल होता है और इसके अलावा हमारे जो लाइव डेमो सेंटर्स भी हैं आपके यू कैन सिमुलेटर्स, तो वो भी बच्चे आके उसमें अपना ट्राई कर सकते हैं। तो हर तरह का हर एवरी एस्पेक्ट ऑफ एयरफोर्स इज बीइंग कवर्ड। पब्लिक आई थिंक देयर विल बी अ नॉमिनल फी दैट विल बी अनाउंस्ड ऑन दैट डे। जी सर एक मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि म्यूजियम देखने के बाद बच्चे आज पैशन जरूर जाग रहे हैं, उस पैशन नु डाइवर्ट ना होए, वो पैशन उसी तरह वाले रहे, तो एयरफोर्स कुछ अपनी इथे कोई करियर एडवाइस भी दोगे कि किस तरीके नाल एयरफोर्स पार्टिसिपेट करना है? गाइडेंस सेंटर अगर जरूरत पई तो बिल्कुल दे कैन ऑलवेज कम एंड डू दैट। बिल्कुल बिल्कुल सारे डिस्प्ले बोर्ड्स है उत्थे, सारे सारी इन्फॉर्मेशन एयरफोर्स के बारे, एयरफोर्स के जिन्हें भी प्लेन्स वगैरह है सारी इन्फॉर्मेशन। ना दिस इज नॉट रियली फर्स्ट बट आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द यूनिक मोस्ट कंप्रीहेंसिव वन इन इंडिया। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ NRI ਮੈਰਿਜ ਬਿਊਰੋ। NRI ਮੈਰਿਜ ਬਿਊਰੋ, ਫਾਈਂਡ ਯੋਰ ਪਰਫੈਕਟ ਹਿਊਮਨ।